आज इस वीडियो में फिर चर्चा करने वाले हैं कंफ्यूजिबल वर्ड्स को लेकर के। गाइस, जब हम लोग एग्जाम में अपियर होते हैं एट दैट मोमेंट बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अर्थ लगभग सा यूं कहें कि उनकी जो साउंड होती है इक्वल सी प्रतीत होती है, और ऐसे में हमारी जो स्पेलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होता है उसमें भी, और कई बार हम लोग क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी हम लोग बड़ी दिक्कतों में फंस जाते हैं। तो देखिएगा, वर्ड जो बहुत ही यूं कहें कि क्लोज वर्ड से होते हैं वो साउंड भी काफी सारे वर्ड की इक्वल सी दिखाई देती है, मगर हमें देखना है कि आखिरकार इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो ये पार्ट थर्ड है जिसमें आप सभी का वेलकम है। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ एंटिक्स, ANTICS। वर्ड को अच्छे से पढ़ना है गाइस, और अगर कोई वर्ड आपको टफ लगता है तो उसको 4 or 5 टाइम राइट कीजिएगा, डेफिनेट है कि उसकी स्पेलिंग आपको इजी वे से लर्न हो जाएगी। तो एंटिक्स जो होता है इसका मतलब होता है ट्रिक्स एंड की चालाकियां, मगर एक होता है ANTIQUES, एंटीक्यू, यानी कि इसका मतलब होता है एंशियंट पीसेज जो पार्ट, यानी कि कुछ प्राचीन चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं, कला की कोई प्राचीनतम चीज या कृति होती है उसके लिए एंटीक्यू यूज होता है। तो ANTI देखिएगा, यहाँ CS लगा हुआ है, QUES है एंटीक्यू। एक होता है, देखिएगा ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, फ्लैसिटी, तो FLICITY, इसका मतलब होता है खुशियों से रिलेटेड लेते हैं या आशीर्वाद को लेकर के हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। जबकि फैसिलिटी आपने बहुत बार सुना होगा, ये फैसिलिटी होती है FA, यानी कि इसकी स्पेलिंग शुरू हो रही है FACILITY, फैसिलिटी। हम चाहते हैं ना कि भाई कौन कौन सी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, किस तरह के, हम लोग कोई आता है तो हम पूछते हैं कि भाई किस तरह की फैसिलिटीज आप लोग अवेलेबल करवाएंगे, तो हम लोग सुविधाओं की चर्चाएं करते हैं, राइट गाइस। तो वर्ड अलग है, एक होता है वैकल्पिक, काफी कैंडिडेट्स ऐसा होता है, कई बार आपको लग रहा है हो सकता है आपको आता हो, दैट इज द गुड, बट बहुत सारे कैंडिडेट से ये फैकल्टी और फैसिलिटी में डिफरेंट करना भूल जाते हैं, दैट टाइम उनका गलत हो जाता है। तो ये फैकल्टी जो होती है, फैकल्टी होती है एक तरह से कहने का मतलब, हम लोग यूं यूज करते हैं जैसे कोई भी पढ़ाने इत्यादि आता है या आमंत्रित कोई भी ऐसा सदस्य जो पढ़ा रहा होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं फैकल्टी। आप लोग जब भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो आप पूछते हैं कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रही है, कौन है, तो इस तरह से हम लोग फैकल्टी वर्ड यूज करते हैं। फैसिलिटी हम लोग पूछते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। एक होता है गाइस फैटल, FATL, फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक, प्राण घातक जो होता है फैटल होता है, डेडली। एक होता है फैटफुल, अब ये वैसे तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है किंतु ये यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गाइस ग्रेसफुल बहुत बार आप सुनते हैं, ग्रेसफुल का मतलब होता है अट्रैक्टिव या हैंडसम, यानी कि सुंदर या आकर्षक के रूप में लेते हैं। जबकि ग्रेसियस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मर्सीफुल, यानी कि दयालु इत्यादि के रूप में यूज करते हैं। तो देखिएगा, एंटिक्स, एंटीक्यू, फ्लैसिटी, फैसिलिटी, फैकल्टी, वर्ड को अच्छे से देखना है, जो आपको टफ लगता है उसको 4 or 5 टाइम राइट कीजिएगा, दैट टाइम आपको ये स्पेलिंग इजी वे से लर्न हो जाएगी और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला है गाइस EXPECT, ये एक्सपेक्ट होता है, इसका मतलब होता है उम्मीद होना किसे, अपन कहते हैं ना यार इतनी सारी एक्सपेक्टेशन मत किया करो या हमें आपसे इतना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा अर्थ निकलेगा टू होप। जबकि एक होता है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट इजी वे से है और वैसे भी दोनों वर्ड बहुत अलग से है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, मगर गलती नहीं करनी है। सस्पेक्ट का मतलब आप जानते हो, संदेह होना है कि टू अप्रेहेंटेड। अपन बोलते हैं चाइल्डिश, तो चाइल्डिश यानी कि कैसे चाइल्डिश जो है बिहेव कर रहा है, तो चाइल्डिश का मतलब होता है पुलिस, यानी कि मूर्खतापूर्ण। और एक होता है चाइल्ड लाइक, अपन कहते हैं यार कैसे बच्चों की तरह दिखाई दे रहा है, इनोसेंट होना, इनोसेंट जो वर्ड यूज करते हैं। एक देखेगा CEMETR, सिमेट्री, और ये भी सिमेट्री बोलेगा गाइज, तो ये वाला CEMETRY जो है ये सिमेट्री होता है, जो हम लोग जिसकी बात करते हैं जहां पर या शमशान घाट के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि भाई जहां पर बरियल प्लेस होता है, जहां पर मृत व्यक्तियों को जलाया किया जाता है। और ये होता है एस से, SYEMETRY, ये सिमेट्री, इसका मतलब होता है हार्मनी, एक रास्ता सम रास्ता के रूप में हम लोग यूज करेंगे, तो वर्ड का ध्यान रखना है आपको। एक होता है गाइस अमेंट और एक होता है इमेंट, देखिएगा ये शुरू है ए से, ये शुरू है ई से, AMENT इसका मतलब होता है इंप्रूव करना, सुधार करना, जबकि ये EMENT इमेंट है, ये इमेंट होता है, इसका मतलब होता है गलतियों को हटाना। तो देखिएगा ए से शुरू है और ये ई से शुरू है। एक गाइस होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल होता है BENEFICIAL, बेनिफिशियल, अपन कहते हैं ना ये यार बेनिफिशियल रहेगा, यानी कई बार कहते हैं ना यार ये सौदा कैसा रहेगा, तो ये बेनिफिशियल रहेगा, तो बेनिफिट देने वाला अर्थात यूजफुल। किंतु एक होता है बेनिफिशियरी, ये काफी बार
आप लोग देखते हैं जब कई बार फॉर्म फिलअप इत्यादि करते हैं, कोई पॉलिसीज इत्यादि आप लोग लेते हैं, एट दैट मोमेंट ये वर्ड बहुत काम में आता है, तो आपको लर्न करना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि यानी जो व्यक्ति इसका बेनिफिट प्राप्त करने वाला है उसको यूज करते हैं कि बेनिफिशियरी कौन है। आपने देखा होगा कई बार आप लोग जब अकाउंट में वो जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं पेमेंट वगैरह ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें लिखा हुआ आता है। तो बहुत सिंपल है, बट आपको करना क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ठीक है गाइस, जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।